इसमें अभी हूँ समदुरुस्त टेम्पल में, जो यहाँ पे एक स्टैचू है बौद्ध का स्टैचू, और ये मॉन्स्ट्री है एक, और पूरा नामची में यहाँ पे दो तीन फेमस जगह है। एक साई टेम्पल है, साई टेम्पल मैं कवर नहीं कर पाऊँगा आज, और फिलहाल तो अभी ये है मंदिर आपको, मॉन्स्ट्री जो है ये, और चार धाम यहाँ से भी दिखता है जहाँ से अभी कवर करके आया हूँ मैं, जहाँ से घूम के आया हूँ। लेकिन अभी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, यू कैन सी यार, आसमान भी पूरा बादल छा गया, लेकिन बूंद बूंद बारिश गिर रहा है और ठंडा ठंडा हवा दे रहा है भाई, ठंड ना लग जाए इसके वजह से। थोड़ा मैं बोला जल्दी से वीडियो बना लेता हूँ, नहीं तो फिर बारिश गिरने लग जाएगा तो फिर वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा, तो जिसके वजह से थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। और यार देखो भाई, आसमान गरज रहा है, अब कुछ बोल नहीं सकते तुम, ठीक है ना, आसमान गरज रहा है। सो गाइस, अभी तो इतना ही है यार, जगह बहुत अच्छी है। एक चीज़ यही बोलूँगा कि यार, जब तक आप यहाँ पर नहीं आते हो, यहाँ की चीज़ ना देखे हो, तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैमरे में देखना कुछ और चीज़ है और सामने आके देखना वो भी कुछ और ही चीज़ है। ठंडा हवा दे रहा है भाई, बहुत ठंडा हवा दे रहा है वो भाई, इतना प्यारा लग रहा है ये भी जगह। और सीधा स्टैचू यार, वर्ल्ड के एक बड़े स्टैचू में से ये भी माना जाता है, और इतना ऊपर है, सो जिसके वजह से ये बहुत फेमस भी है। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस एक मॉन्स्ट्री है और नीचे बस लोग वगैरह रहते हैं, जो मॉन्स्ट्री के लोग वगैरह हैं वही लोग रहते हैं यहाँ पे, और स्टैचू है देखने के लिए। और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, जो नामची का व्यू। अभी तो वेदर बहुत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से कुछ दिखेगा नहीं अभी, क्योंकि अभी बारिश भी हो रहा है थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का जो भी है। एंड यहाँ से आप, यू कैन सी द सिक्किम नामची वाला स्टेडियम, वो भी दिख रहा है। एंड यू कैन सी यहाँ से चार धाम, जहाँ पे मैं गया था अभी थोड़ी देर पहले, चार धाम का व्यू भी यहाँ पे दिखता है, लेकिन अभी वेदर थोड़ा क्लियर नहीं है भाई। अभी बहुत ठंडी हवा दे रहा है और मेरे को जाना है अभी जल्दी से नीचे, नहीं तो ठंड लग जाएगी मेरे को। ऐसे भी कोल्ड से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा ठंडा हवा लग जाती है तो फिर कान में थोड़ा दर्द होने लगता है। गाइस, टेम्पल तो देख लिया मैंने, ऊपर थोड़ा ठंड था, मैं ऊपर ही था, इसके ऊपर ही था मैं, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसकी वजह से मुझे थोड़ी जल्दी से नीचे आ गया। अभी मुझे निकलना भी होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा मेरे पास नहीं है, अभी 2:30 बज गया यार ऑलरेडी, सो आई हैव टू गो। अभी बस थोड़ा सा जितना हो सके मेरे रूम तक पहुँचने तक आप वीडियो देखते रहिए। गाइस, जितना शूट हो सके मैंने कर लिया, बेसिकली आपको सिर्फ फोटोग्राफी करना है फिर भाई पूरा दिन टाइम लग जाता है, अगर सिर्फ ब्लॉगिंग बनाना है फिर ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम ही काफ़ी है, बट स्टिल जितना हो सके कवर कर लिया हूँ। अभी दिक्कत यह है कि नामची से सिलीगुड़ी तक जाने के लिए कोई गाड़ी मेरे को मिल नहीं रहा है, तो जो सूरज भैया ने जो ड्राइवर भेजा है मेरे साथ, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि भैया मेरे को मेली तक पहुँचा दो, क्योंकि मेली से मेरे को सिलीगुड़ी तक गाड़ी मिल जाएगा, तो मैं अभी वहाँ जाऊँगा, तो भैया के गाड़ी में जल्दी बैठूँगा। या सांस भी बहुत फूल रहा है, बहुत भाग लिया मैंने अभी यहाँ पर, तो ओ गाइस बहुत फूल रहा है सांस भाई, तो अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठूँगा, देन आई विल गो फॉर द राइड मेली, मेली से सिलीगुड़ी का गाड़ी पकड़ूंगा, देन आई विल बैक टू माई रूम। शाम तक तो पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से 3-4 घंटे तो लग ही जाएगा, अभी ऑलरेडी 3 बज गया यार, तो मेरे को जल्दी से इतना हो सके निकलना होगा। अगर वीडियो देखी होगी, अगर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अभी तक अपने वीडियो तक।